Today's topic is foreign currency transactions. And in foreign currency means that you are dealing in foreign currency also. Not buying, selling foreign currency, but your business is such that you involve in currency business. You are importing or exporting, and that you are doing it in dollars or in shillings or in yen or whatever. So if you involve any foreign currency business, then you need to see how they are going to be reported in your home currency. Learning outcome: after going through, the students will be able to understand the foreign currency transaction, how a business can enter into a foreign currency transaction. They will understand the difference in functional currency and presentation currency. Functional currency wo hoti hai jisme aapka business chal raha hai, buying or selling ho rahi hai, wo foreign functional currency hai. Presentation currency wo hai jisme aapne report karna hai, jisme aapne balance sheet, income statement banani hai. There will be a position to learn forex exchange rates to be used to translate the foreign currency. Yani humne rates ko study karna hai ke kaun sa rate humne use karna hai to translate the foreign currency into local currency. They will learn how to calculate loss or gain on translation of foreign operation. Now, a company can enter in foreign currency transaction through imports or exports. आप माल बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या माल मंगवा रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको डॉलर में पे करना पड़ता है या येन में पे करना पड़ता है, तो वो फॉरेन करेंसी, वो जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप पाक रुपी में ट्रांजैक्शन, आप पाकिस्तान में हैं तो आपने पाक रुपी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है. आप ये नहीं कर सकते कि बाकी काम तो आप रुपीज़ में चला रहे हैं और जब डॉलर या पाउंड की बात आ रही है तो आप वहाँ पर डॉलर और पाउंड लिखते चले. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा उसको लोकल करेंसी में, जिसको हम फंक्शनल करेंसी कहते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. पुटिंग अप ए ब्रांच, ये भी हो सकता है कि आपने कोई ब्रांच रखी हो. अब देखिए, ब्रांच है तो सारा बिजनेस वहाँ चल रहा है, वो आपको क्या करेंगे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपको एक ट्रायल बैलेंस भेज देंगे. आप वो ट्रायल बैलेंस जो है वो फर्ज करें US डॉलर में आ रही है, तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है पाक रूपी में. ना क्वेश्चन राइज कि कौन सा रेट यूज होगा, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे. दिस मीन्स दैट दे हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन देयर बुक्स विच इज इन अ डिफरेंट करेंसी टू देयर ओन करेंसी. IS-21 एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर ट्रांसलेटिंग फॉरेन ट्रांजेक्शंस एंड फॉरेन ऑपरेशंस एंड फॉर प्रेजेंटिंग द एक्सचेंज डिफरेंस दैट राइज. ऑब्वियसली जब आप डिफरेंट रेट यूज करेंगे फॉर डिफरेंट आइटम्स के लिए तो आपकी ट्रायल बैलेंस तो आउट हो जाएगी, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो या तो लॉस हो जाएगा या गेन होगा, और ये लॉस और गेन जो है स्ट्रेट अवे आपकी इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि इट्स दैट्स हाउ इट इज नाउ. सो फॉर रेट्स आर कंसर्न, एक है हिस्टोरिक रेट जिसको हम स्पॉट रेट भी कहते हैं. फर्ज करें आज आपने सेल्स की है $10,000 की, तो आपने रिसीवेबल्स को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट. $10,000 में नहीं, अगर आज का रेट फर्ज करें ₹150 है, तो आपने 10,000 को 150 से मल्टीप्लाई करके फिगर लेनी है, रिसीवेबल बुक करना है और सेल्स क्रेडिट. अब क्वेश्चन ये है कि पैसे कब आ रहे हैं. जब पैसे आ रहे हैं हो सकता है रेट डिफरेंट हो, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं. अगर ज़्यादा मिल रहे हैं कन्वर्जन पर, ट्रांसलेशन पर, तो आप कह सकते हैं कि हमें गेन हो रहा है. और अगर आपको कम मिल रहे हैं, रेट फ्लक्चुएट होता है ना, तो अगर रेट आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसमें गेन है, और अगर रेट नीचे चला जाता है तो आपको लॉस हो जाता है. नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल रेट या स्पॉट रेट. नॉर्मली हम तमाम ट्रांजेक्शन्स को जो है इसी रेट पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी हिस्टोरिक रेट पर ही रिकॉर्ड करते हैं. इनिशियली तमाम ट्रांजेक्शन जो होंगी वो इसी रेट पर रिकॉर्ड हो जाएंगी. फिर क्लोजिंग रेट, यानी जब ईयर एंड होता है, जब आपने अकाउंट्स बनाने हैं, तो उस वक्त जो रेट आएगा वो क्लोजिंग रेट कहलाएगा. आपको पता है कि स्टॉक, ये जो फॉरेन करेंसी का बिजनेस है, इसमें तो मिंट बाय मिंट रेट चेंज हो रहे होते हैं और ओवर द ईयर काफ़ी फर्क पड़ जाता है. तो हमने ये देखना है कि जब हमें बैलेंस शीट बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं, तो उस वक्त का रेट क्या है. जनरली हम उस रेट को यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स.
एवरेज रेट भी इसलिए होता है कि अगर आपके पास पूरी ट्रायल बैलेंस है तो उसमें तो आपकी इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, एसेट भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, इक्विटी भी है। तो जहाँ तक रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात है, इट इज़ अलाउड के जी उसके लिए आप कोई एवरेज रेट यूज़ कर लें। अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा? नॉर्मली ये एकदम से ऐसा नहीं कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, ये इस तरह से नहीं होता। इसमें अगर 12 महीने हैं तो 12 महीनों के एंड ऑफ रेट, बिगनिंग एंड को लेकर फिर एक रेट निकाल लेते हैं। लेकिन इट इज़ अलाउड बाई दी, इट इज़ गिवन इन एग्जाम, इट्स रियली गिवन। फॉरन ऑपरेशन इज एन एंटिटी दैट इज सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर और ए ब्रांच ऑफ ऑपरेशन एंटिटी। और मैंने आपको बताया कि इसमें ये होता है कि आप एक ब्रांच खोल लेते हैं या आप अपनी एक सब्सिडियरी है, तो वहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने की है, ज़ाहिर है आप फॉरेन करेंसी में की हुई है, आपने उसको अपनी बुक्स में लेकर आना है। तो क्वेश्चन राइज के उसको बुक्स में लेकर आने के लिए आपको ट्रांसलेट करना पड़े, क्योंकि वो तो पाउंड में या डॉलर में या स्टर्लिंग में है, तो आपने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो एक रेट यूज़ करना पड़ेगा आपको, और वो रेट होगा आपका क्लोजिंग रेट। फंक्शनल करेंसी इज़ द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। यानी जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं उस मुल्क की जो करेंसी है वो आपकी फंक्शनल करेंसी। और प्रेजेंटिंग करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी वो है जिसमें आपने अकाउंट्स बनाने। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप की जो फंक्शनल करेंसी है मे बी लेट से पाउंड है, और आपने आप सब्सिडियरी हैं किसी अमेरिकन कंपनी की, तो आपने अमेरिकन कंपनी के में बना के भेजने हैं, हालांकि फिर अमेरिकन कंपनी जो है आपकी चीज़ों को अपने फंक्शनल करेंसी में लेकर आएगी। तो प्रेजेंटेड करेंसी जो है वो डिफरेंट होती है और फंक्शनल करेंसी जो है वो डिफरेंट है। फंक्शनल मींस कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसकी, उस मुल्क की करेंसी, और प्रेजेंटिंग मीन अगर आपने अदर देन दूसरी करेंसी में प्रेजेंट करना है, तो मतलब डॉलर को अगर कन्वर्ट करके रुपये में रखना है तो उसको आप प्रेजेंटेशन करेंसी कहते हैं। इसमें एक और जो इशू है वो ये है कि दो तरह की आइटम्स आती हैं। एक है मॉनेटरी आइटम, जिसमें कैश है, बैंक है, रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं, लोन्स हैं। एट क्लोजिंग रेट एट द बैलेंस शीट डेट, आपने इनको ट्रांसलेट करना है क्लोजिंग रेट पर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तो आपको देन देन पैसे आ जाएंगे। मॉनेटरी है ना, तो पैसे फिक्स हैं कि इतने डॉलर हैं तो इस डॉलर के बदले में इतने पैसे आने हैं, या हमने ये पे करने तो इतनी पेमेंट करनी है हमने, तो इसके लिए आपको क्लोजिंग रेट ही यूज़ करना है। और इसमें भी इशू ये होता है कि जब आपने रिकॉर्ड किया तो रेट डिफरेंट था, जब आप उसको सेटल कर रहे हैं रेट डिफरेंट है, तो अगेन प्रॉफिट या लॉस, गेन और लॉस जो है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट हिस्टोरिक रेट, ये जिस दिन आपने इसको ख़रीदा है या बेचा है, नॉन मॉनेटरी आइटम जिसमें कैश सर्टन नहीं है कि आपको इतने पैसे आने हैं, इतने डॉलर आने हैं, नहीं, ये आपने नॉन मॉनेटरी आइटम्स, डू नॉट ट्रांसलेट बट लीव इट ऑन द बैलेंस शीट एज ओरिजिनल ट्रांसलेशन एट द डेट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। जब आपने ख़रीदे या जब आपने बेचा, उस दिन का जो रेट है बस उसी को रखें आप, और उसमें कोई चेंज ना करें। बाद में ये होता है कि हम इसको कॉस्ट मॉडल में लेके चलते हैं, यानी इसको हम चेंज नहीं करते, लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल या आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो फिर एक डिफरेंट इशू है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके ही जाना। इन केस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन एनी गेन और लॉस शोन सेपरेटली आइटम इन द इक्विटी एक्सचेंज डिफरेंट रिजर्व, यानी अगर फॉरेन ऑपरेशन है उसमें अगर आपको लॉस और गेन आ रहा है तो वो इनकम स्टेटमेंट में ना लेके जाएं, बल्कि उसको आप अपनी बैलेंस शीट में अलग से शो कर दें इक्विटी के सेक्शन में। ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन एनी एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी रिसाइकल्ड एंड मेड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। और अगर आपका ऑपरेशन आपने क्लोज कर दिया, उस क्लोज करने के वक्त आपको जो लॉस या गेन आ रहा है वो स्ट्रेट अवे आपकी इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।